आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बी एस लॉ देखिए बी एस लॉ क्या होता है जब हम एक बार इसे समझ लीजिए जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन में इंसिडेंट करते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की विथ थिकनेस डी थिकनेस किसकी है होमोजीनियस सॉल्यूशन की प्रोपोर्शनल uh, होती है जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है उसके कंसनट्रेशन के साथ

तो सेम ऐसे ही लैम्बर्ट्स का भी लॉ था लैम्बर्ट्स का लॉ क्या था जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम पास कराते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन से तो जो उसकी इंसिडेंट रेडिएशन है वो प्रोपोर्शनल होती है उसकी इंसिडेंट रेडिएशन पे और यही क्या है कंसंट्रेशन पे और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बीयर्स में और लैम्बर्ट्स में और नेक्स्ट लेक्चर में हम बीयर्स एंड लैम्बर्ट दोनों की जो इक्वेशंस हैं उनको कंबाइन करके बी योज नंबर को डिराइव करेंगे ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग